वेलकम डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सेंटेंस करेक्शन पोर्शन ऑफ सीसिस इंग्लिश पेपर ऑफ़ द ईयर टू थाउजेंड थर्टीन सो लेट स्टार्ट सेंटेंस नंबर वन इज़ माई बास एग्रीड विद माई प्लान करेक्ट सेंटेंस इज माई बास एग्रीड टू माई प्लान यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में करेक्शन के लिए यह लाजमी है कि आप लोगों को ये पता हो कि एग्रीड के साथ प्रिपोजिशन टू कौन से कंटेक्स में यूज होता है और प्रिपोजिशन विद कौन से कंटेक्स में यूज़ होता है एग्री के साथ जब हम प्रिपोजिशन टू यूज़ करें एग्री टू तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कोई शख्स किसी प्रोपोजल प्लान या सजेशन को कंसेंट करता है या उसको एक्सेप्ट करता है जबकि एग्रीड विद हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद सेम ओपिनियन या सेम व्यू पॉइंट को शेयर करते हैं इस कंटेक्ट में अगर हम देखें तो इस कंटेक्स में एग्री टू ज्यादा करेक्ट है द रीजन बींग पर स्पीकर का जो प्रोपोजल है उसके साथ बास की एक्सेप्टेंस है तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी माय बास एग्री टू माय प्लान नेक्स्ट इज इफ ही वाज हियर ही वुड बी एज वाइज एज ही वाज ड्यूरिंग वार सेंटेंस सेंटेंसेस इफ ही वर हियर ही वुड बी एज वाइज एज ही वाज इन द अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको एक रूल का पता होना चाहिए जिसका नाम है सबजैंक्टिव मूड रूल सबजेंगटिव मूड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कंडीशनल सेंटेंस जिस तरह की ये वाली सेंटेंस है ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पर कंडीशन जो है वो फैक्ट या हकीकत के बरखिलाफ है मुखालफ है इसी वजह से हम पास सब्जेंटिव फॉर्म जो कि वर है यहाँ पर पास सब्जेंटिव फॉर्म हमारे पास वर है उसको हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ़ वास टू इंडिकेट दैट द सिचुएशन इज नॉट ट्रू इन रियलिटी तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी इफ ही वर हियर ही वुड बी एज वाइज एज ही वाज ड्यूरिंग दैक्सट इज वी हैव अम्यूजमेंट्स इन फार्म ऑफ म्यूजिक करेक्ट सेंटेंस वी हैव अम्यूजमेंट्स इन द form ऑफ म्यूज़िक यहाँ पर इस सेंटेंस में हम एक प्रिपोजिशनल प्रेज यूज़ करते हैं that इज़ इन द form ऑफ म्यूजिक जो कि डिस्क्राइब करता है कि अम्यूजमेंट्स किस तरीके की थी तो जब हम फॉर्म इस कंटेक्स में यूज़ करते हैं तो ये एक एडियामेटिक चीज़ है कि हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज करें बिफोर फॉर्म। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल भी वी हैव अम्यूजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक नेक्स्ट इज यू गेट हंग्री फॉर ऑल द वर्क यू हैव टू डू करेक्ट सेंटेंसेज यू बिकम हंग्री फ्रॉम ऑल द वर्क यू हैव टू डू अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने दो चेंजेस की पहली बात तो ये है कि जब हम किसी स्टेट या कंडीशन में चेंज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिकम यूज़ करते हैं गेट यूज़ नहीं करते यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में गेट यूज़ हुआ है लेकिन गेट जो है वो एम्प्लाई एक्विजिशन या अटेनमेंट यहाँ पर स्टेट या कंडीशन में चेंज आया है कोई एक्विजिशन नहीं आई है तो इसी वजह से हमने बिकम यूज़ किया है बिकॉज बाई यूजिंग बिकम वी कन्वे दैट हंगर एराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्क वन हैज़ टू डू एक बंदा काम करता है और उसका जो स्टेट है पहले वो बूक का नहीं था लेकिन काम की वजह से वो उसमें वो बूक आ गई या बुक पैदा हो गई तो वो स्टेट उसकी चेंज हो गई तो इसी वजह से हमने बिकम यूज़ किया अब दूसरी चीज़ ये है कि हम फ्राम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम डिनोट करना चाहते हैं काज आर सोर्स ऑफ फीलिंग आर एक्शन किसी चीज़ की काज़ या सोर्स जो है हम जब हम उसको इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्राम यूज़ करते हैं अब यहाँ पे हम क्या इंडिकेट करते हैं कि जो हंगर है वो इसी वजह से पैदा हो गई जो भूख पैदा हो गई है क्योंकि वो बंदा काम कर रहा था काम की वजह से उसमें भूख पैदा हो गई है तो इसी वजह से हमने फ्राम यूज़ किया ये जो एडजस्टमेंट है ये सजेस्ट करता है ए काजल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड द फीलिंग ऑफ द हंगर तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर देट विल बी यू बिकम हांगरी फ्राम ऑल द वर्क यू हैव टू डू नेक्स्ट इज वी वर ग्लेड फॉर बींग दियर करेक्ट सेंटेंसेस वी were glad to टू बी दियर अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में कोई मेजर मिस्टेक नहीं है लेकिन इसमें मसला ये है कि ये क्लियर नहीं है और कंसाइज नहीं है ओरिजिनल सेंटेंस में फार बींग दियर यूज़ हुआ है for being दियर यहाँ पर सर्व करता है एज एन एडवर्बियल कंप्लीमेंट इसके बजाय अगर हम इंफिनेटिव फॉर्म यूज़ करें टू बी टू बी जब हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा कंसाइज हो जाती है और जो एक्सप्रेशन है वो एडियामेटिक बन जाती है ये फॉर्म हम उस वक्त यूज़ करते हैं यूजुअली जब हमारे पास इस तरह के वर्ब्स हो जैसे कि ग्लैड हैप्पी एक्साइटेड टू इंडिकेट द रीज़न फॉर द फीलिंग सो टू बी इज प्रेफर्ड ओवर फॉर बीइंग फॉर क्लेरिटी एंड कंसाइजनेस। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी वी वर ग्लैड टू बी दियर नेक्स्ट इज आई प्रेफर द फिफ्थ एक्ट ऑफ शेक्सपियर कैंग लियर द बेस्ट ऑफ ऑल करेक्ट सेंटेंसिज आई प्रेफ़र द फिफ्थ एक्ट ऑफ शेक्सपियर कैंगर द बेस्ट ऑफ आल अब यहाँ पे औरजिनल सेंटेंस में करेक्शन के लिए यह लाजमी है कि हम शेक्सपियर के साथ एपोस्टापी और एस एड करें ताकि उसकी पोजिशन इंडिकेट करें ये इसलिए कि सेंटेंस में एक प्ले का जिक्र है कैंगयर कैंगर शेक्सपियर ने लिखी है और ये उसकी पोजिशन है तो उसी पोजिशन को इंडिकेट करने के लिए हमने शेक्सपियर के साथ एपोस्टापी और एस एड किया है और शेक्सपियर्स बन गया है तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर देट इज़ आई प्रेफर द फिफ्थ एक्ट ऑफ शेक्सपियर्स कैंगर द बेस्ट ऑफ ऑल आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर द बेल रैंग करेक्ट सेंटेंस आफ्टर आई फिनिश्ड माई लेक्चर द बेल रैंग अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने वर्ब फिनिशिंग को रिप्लेस किया है फिनिश्ड के साथ ये उस तरह के सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है जिसमें सबोर्डिनेट क्लास यूज़ होता है यहाँ पर सबोर्डिनेट क्लास शुरू हुआ है आफ्टर के बाद सबोर्डिनेट क्लास हमारे पास ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो मेन एक्शन से पहले वाक़ होते हैं यहाँ पर जो मेन एक्शन है द बिल रेंगिंग बिल रेंगिंग से पहले एक एक्शन uh, वाक्य हुआ है और वो एक्शन है फिनिशिंग माय लेक्चर तो फिनिशिंग को हमने फिनिश्ड के साथ रिप्लेस किया दूसरी बात ये है कि हमने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो मिसिंग है तो हमने वो ऐड किया आई क्योंकि ये ग्रामेटिकल करेक्टनेस और क्लैरिटी के लिए लाजमी है तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आफ्टर आई फिनिश्ड माय लेक्चर द बिल रैक् नेक्स्ट इज़ वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड करेक्ट सेंटेंसेज वे डिड नट नीड टू बी अफ्रेड अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम नेगेटिव पास टेंस यूज करते तो नेगेटिव पास टेंस में हम डेड या हैज़ यूज़ करते हैं एज एन एग्जेलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर चूंकि पास टेंस है और पास टेंस में फिर ये नेगेटिव फार्म है टेंस का तो उसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है डेट इज़ सब्जेक्ट प्लस डेड नट प्लस वर्क जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें निगेशन की को अचीव करने की कोशिश की गई है विद नीडिड नट लेकिन इसमें मसला यह है एक तो यह लेस कामन तरीका है नीडिड नट को यूज़ करना और दूसरा मसला इसमें यह है कि ये स्लाइडली आउटडेटेड वे है टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी वे डेट नॉट नीड टू बी अफ्रेड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेबलेस्ट